Guys, this is Jaspal and again welcome to my channel STS Matter. तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि आप एंड्रॉयड के अंदर सिंपल लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट व्यू गैस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने XML फाइल के अंदर जाना है और इधर आपने टैग यूज करना है लिस्ट व्यू। तो मैंने इधर गैस टैग लगाया लिस्ट व्यू, आप इसकी हाइट इसकी विथ बताओगे तो आप XML फाइल के अंदर देख सकते हो मेरे पास ये बॉक्स क्रिएट हो गया। ये एक्चुअल में आपका क्या है लिस्ट व्यू। साथ में आप क्या करो लिस्ट व्यू को एक आईडी असाइन कर दो। मैंने आईडी असाइन कर दी माय लिस्ट। तो आप अपने लिस्ट व्यू के अंदर देख सकते हो ये गाइस आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4, तो ये आपकी लिस्ट बन गई। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट में, तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं गाइस कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखोगे तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। दो गाइस क्यों नहीं आया, क्योंकि लिस्ट के अंदर अभी हमने आइटम्स ऐड नहीं की। तो इसके अंदर अब आइटम्स ऐड करनी है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था स्पिनर के बारे में, स्पिनर में कैसे आइटम्स ऐड होती, तो अगर आपको नहीं याद तो गाइस मैं अभी समझाता। तो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट कर लेंगे, मीन्स वैल्यूज क्रिएट कर लेंगे जो लिस्ट में, लिस्ट के अंदर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर एक एरे, स्ट्रिंग का एक एरे क्रिएट कर लिया गाइस नेम्स, और इस एरे के अंदर मैंने कुछ स्टोर कर ली वैल्यूज। तो वैल्यूज के अंदर मैं कुछ भी नेम रख देता हूं गाइस, राजू करण मनी जैस, तो ये मैंने फोर नेम्स ले लिए। अब मैं इन फोर नेम्स को, जो मैंने अभी फोर नेम्स लिए, इन फोर नेम्स को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं अपनी लिस्ट के अंदर। तो कैसे डिस्प्ले करना है गाइस, वही सेम फंडा जो स्पिनर के अंदर यूज किया था। स्पिनर के अंदर मैंने आपको बताया था, सपोज करो ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है गाइस, और ये हमारा डेटा है। ये वाला हमारा क्या है डेटा, जिसको आप कहां लिस्ट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हो। तो आप डायरेक्ट अपने डेटा को लिस्ट के ऊपर व्यू नहीं कर सकते, इसके लिए आपको चाहिए होता है एक टेक्स्ट व्यू। तो आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट व्यू। पहले आप क्या करते हो अपने डेटा को, जो आपका ये डेटा है गाइस, जो भी आपका ये डेटा है, सबसे पहले आप क्या करते हो अपने इस डेटा को आप मिक्स करते हो अपने टेक्स्ट व्यू के साथ। जब ये आपका डेटा टेक्स्ट व्यू के साथ मिक्स हुआ था, फिर आप इसे अप्लाई कर देते हो लिस्ट के ऊपर। अगर आप सेकेंड आइटम लगाना चाहते हो गाइस, सेकेंड आइटम के लिए भी आपको एक चाहिए टेक्स्ट व्यू, जो फिर आप क्या करते हो अपने डेटा को मिक्स करते हो टेक्स्ट व्यू के साथ, जैसे मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं। तो ये डेटा आपका मिक्स हो गया टेक्स्ट व्यू के साथ, जब ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा आप इसे अप्लाई कर दोगे लिस्ट के ऊपर। तो मैंने इसको पिक किया और इसको अप्लाई कर दिया लिस्ट के ऊपर। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, अगर आप ध्यान से देखो जो मैंने आपको समझाया, तो ये आपका क्या है डेटा है, और एक टेक्स्ट व्यू आपका क्या होता है डिजाइन। तो बेसिकली हम पहले क्या करें, डेटा और इस डिजाइन को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसको किसके अप्लाई कर रहे हैं लिस्ट व्यू के ऊपर, सेम एज इट इज हम एंड्रॉइड में करेंगे। तो ये गाइस हमारे पास टेक्स्ट, सॉरी हमारा ये डेटा एरे जिसके अंदर वैल्यूज है, और एक हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू जिसके साथ हम इस एरे को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम किसके ऊपर लगाएंगे लिस्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट व्यू कैसे क्रिएट करना गाइस, रिसोर्स के ऊपर जाओ, लेआउट फाइल के ऊपर जाओ, लेआउट पर राइट क्लिक करो, न्यू, न्यू के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल। तो आपके सामने ये नेम आ जाएगा, आप कुछ भी नेम रख दो, जैसे मैंने रख दिया लिस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू। तो लिस्ट टेक्स्ट व्यू नेम असाइन कर दिया गाइस। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे टेक्स्ट व्यू। और जब भी गाइस आपने टेक्स्ट व्यू बनाना, तो आप जो भी पहले लीनियर या रिलेटिव लेआउट लगा इसको आप कर दोगे डिलीट। तो लीनियर और रिलेटिव लेआउट को किया डिलीट, और डिलीट करने के बाद आप लगाओगे अपना टेक्स्ट व्यू का टैग। तो इसकी आप टेक्स्ट व्यू की विड्थ बता दोगे, फिर आप इसकी बताओगे हाइट, तो हाइट बता दी गाइस मैंने, रैप कंटेंट, इसमें कुछ वट एवर आप कुछ ही बता सकते हो, जैसे टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर, पैडिंग, इट्स अप टू यू, आप कैसा क्रिएट करना चाहते हो वैसा ही आपका टेक्स्ट भी बन जाएगा। अब क्या करना है कि आपके पास ये गाइस स्ट्रिंग एक एरे डेटा है, और ये आपके पास डिजाइन है, तो क्या करेंगे डेटा और डिजाइन को मिक्स करेंगे। इस काम को करने के लिए हमारे पास होता है एरे अडेप्टर।
तो एरे अडेप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू एरे अडेप्टर। तो इसके अंदर थ्री पैरामीटर, पहले आपने दिस पास करना है, फिर आपने पास करना अपना टेक्स्ट व्यू जिसको आप डेटा के साथ मिक्स करना चाहते हो। तो मेरा टेक्स्ट व्यू कौन सा गाइस, आर डॉट लेआउट डॉट, ये रहा मेरा लिस्ट टेक्स्ट व्यू डिजाइन। अब जो ये आपका टेक्स्ट व्यू है इसको आप मैंने मिक्स करना है अपने एरे के साथ। तो मैंने एरे डिफाइन कर दिया नेम्स। तो आपका ये एरे अडेप्टर क्या करेगा, आपके इस टेक्स्ट व्यू को मिक्स करेगा इस एरे के साथ। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे लिस्ट के ऊपर, और दोनों को कोलैबोरेट और मिक्स करने का काम किसका, एरे अडेप्टर का। तो अब इसको लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट की सबसे पहले आईडी फाइंड कर लेते हैं, लिस्ट व्यू। तो मैंने इसका नेम रख दिया एम लिस्ट। अब इसकी आईडी फाइंड कर लेते हैं, तो गाइस मैंने इसकी आईडी फाइंड की, एम लिस्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट माय लिस्ट। इसको टाइप कास्ट किया गाइस। अब इसके ऊपर क्या करना, हमने अडेप्टर अप्लाई कर देना, एम लिस्ट डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर पास कर देंगे। और अडेप्टर क्या कर रहा है, आपको एरे और डिजाइन को आपस में क्या कर रहा है, कोलैबोरेट और मिक्स कर रहा है। तो अब चेक करते हैं आउटपुट। तो गाइस हमारे पास आउटपुट आ गई है, ये देखो अब ये हमारे सामने लिस्ट बन गई नेम्स वाली। ये हमारा टेक्स्ट व्यू किसके साथ मिक्स हो रहा है, डेटा के साथ मिक्स हो रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके क्लिक करने पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो, जैसे मैं राजू पे क्लिक करूं, करण पे क्लिक करूं, मनी पे क्लिक करूं, तो क्या हो, इसके लिए आप अप्लाई करोगे लिस्ट के ऊपर लिसनर। तो लिस्ट के लिए हमारे पास लिसनर आता है गैस, एम लिस्ट डॉट सेट सेट ऑन आइटम सेलेक्ट आइटम क्लिक लिसनर। तो आपने यूज करना आइटम क्लिक लिसनर, दिस पास किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, तो क्या होगा आपका लिसनर, ये हो गया अप्लाई। तो जब आप लिसनर को इम्प्लीमेंट करोगे आपको रिवर्ट में एक मेथड मिलेगा ऑन आइटम क्लिक, कि आइटम पे क्लिक करने पे क्या हो। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है, व्यू। अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट व्यूज हैं उसको कैसे हैंडल करना है, आई आई के अंदर क्या होगा, जो भी आप लिस्ट के अंदर वैल्यू सिलेक्ट करोगे, आइटम सिलेक्ट, अगर मैंने करंट सिलेक्ट किया तो आई के अंदर वन स्टोर हो जाएगा, अगर मनी के ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर टू स्टोर हो जाएगा, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो इसके अंदर थ्री स्टोर। मीन्स जो भी आप वैल्यू सिलेक्ट आइटम सिलेक्ट करते हो उसका इंडेक्स नंबर आई के अंदर स्टोर हो जाता है। तो आइटम्स को गेट करने के बहुत सारे वे हैं, आप अडेप्टर व्यू से भी गेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने लिखना है अडेप्टर व्यू डॉट गेट आइटम एट पोजिशन, और पोजिशन आपने पास कर देनी आई, आई का मीन जो आइटम आपने सिलेक्ट की उसकी इंडेक्स वैल्यू। तो ये क्या करेगा, आपको वो वाली आइटम प्रोवाइड कर देगा। जब आपको आइटम प्रोवाइड होगी आप उसको किसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लोगे। तो मैंने स्टोर कर लिया आइटम वाले स्ट्रिंग के अंदर, टाइप कास्ट कर लेना गाइस। अब मैं इसको आपको टोस्ट करके दिखा देता हूं। तो टोस्ट, और मैंने टोस्ट किया आइटम को। तो गाइस इसको रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी आउटपुट। तो अभी हमारे पास आउटपुट आ गई। अब मैंने राजू पे क्लिक किया, देखो टोस्ट क्या आ रहा है, राजू। मनी पे क्लिक किया, क्या आ रहा है, मनी। तो गाइस ऐसे आप लिस्ट में से सिलेक्टेड आइटम गेट कर सकते हो। सेकंड वे क्या है गाइस, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जो भी आपका एरे है, जैसे मेरे एरे का नेम क्या है, नेम्स, इस एरे के अंदर पास कर दो सिलेक्टेड इंडेक्स वैल्यू। जो भी आपके सामने ये इंडेक्स वैल्यू आ रही आई सिलेक्टेड आइटम की, ये पास कर दो एरे के अंदर। तो ये क्या करेगा, एरे में से आपको वो वैल्यू देगा जो सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैंने इसको स्टोर कर लिया स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, आइटम के अंदर। अब इसको रन करके देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। तो गाइस आउटपुट आ गई। अब मैंने मनी पे क्लिक किया, आप आउटपुट देख सकते हो, मनी। जस्ट पे क्लिक किया, आउटपुट आ रही है। तो गाइस अब दोनों वे से लिस्ट की आइटम्स को गेट कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप एंड्रॉइड के अंदर सिंपल लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर एरे की वैल्यूज को कैसे पास करना है, प्लस उसके ऊपर लिसनर कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट कीजिए, बाकी आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।